हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकित सर, फ्रॉम आराध्य क्लासेस, सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में जो चैप्टर 5 है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका पार्ट 11 लेके आए हैं। दोस्तों, पार्ट 10 में हमने बात किया था एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 2। आज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3 देखेंगे। टैंग 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 टैंग, देवियो सजनो, चल स्टार्ट कर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन 3 में कुछ 10 क्वेश्चन 3 के अंदर सब क्वेश्चन है, 10 टोटल 10 सम है। हम स्टार्ट करेंगे। यस, मैं ए इज इक्वल्स टू 5, डी इज इक्वल्स टू 3, ए एन इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, सो लेट फाइंड एन एन एस एन, ये बोला है दोस्तों। दोस्तों, दिमाग अपने पास ही रखिएगा अच्छी तरह से, कहीं पे उधार दे मत दीजिएगा। ये वाले फॉर्मूलाज में से ही आपकी लाइफ सेट होने वाली है, यही है सब कुछ। ये तो बस ये माइंड में सेट कर ले दोस्त, इसको लगा डाला, इसको याद कर डाला, तो लाइफ झिंगा लाला चला जा। ठीक 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 ठीक, चल। ए इज इक्वल्स टू 5, डी इज इक्वल्स टू 3, ए एन इज इक्वल्स टू 50। सो फाइंड एन एन एस एन, एन फाइंड करना है फिर एस एन फाइंड करना है। तो सिंपल है, ए है, डी है, ए एन है, ए है, डी है, ए एन है, तो आ जाएगा एन, आ जाएगा। लेट स्टार्ट। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 50, ए है 5, डी है 3। 50 50 माइनस 5 मतलब 45, 3 नीचे जाएगा, 45 अपॉन 3 15, एन इज इक्वल्स टू 16। बहुत इजी से काम करेंगे हम। अब आ रहा हूँ दोस्तों एस एन पे, अब आ रहा हूँ एस एन पे, तो फिर रहूँ ना। ओम कौन सा फॉर्मूला? ये है, ये सर ए एन दिया हुआ है, तो फिर ए प्लस ए एन ही रहने दो, है ना, ये इजी पड़ेगा। एस एन मतलब एस 16, एन का मतलब 16 बाई 2, ए है 5, ए एन है 50। 8 16 2 8 16, 8 हो गया, ये 55 हो गया, 8 5 14, और ये 4 44। सिंपल सा में सिंपल दोस्त, बोल। ये है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 3 का पहला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत अब धीमे धीमे क्वेश्चन का रेंज बढ़ने वाला है। ए इज इक्वल्स टू 7, ए 13 इज इक्वल्स टू 25, एम राइट और लेफ्ट? यस 35। डी फाइंड करना है और एस 13 फाइंड करना है। यस एस 13, हाँ सारे सम्स करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ए दिया है, ए 13 दिया है, और डी फाइंड करना है और एस 13 फाइंड करना है। आइडियो आइडियो आइडियो, ए है और ए 13 है, तो देख तो तू, ए बराबर 7 तो ठीक है, ए 13 है दोस्त 25। ध्यान से सुनना, ए 13 का मतलब होता है ए प्लस 12 डी। ए 13 का मतलब क्या होता है? ए प्लस 12 डी। देख, ए है तेरे पास 7 प्लस 12 डी 25, 12 डी इज इक्वल्स टू 25 है ना भाई, 35 है, 25 है, ओके सॉरी माई मिस्टेक, 35 है, 35 है, 35 है, 35, 35 माइनस 7 28, सो डी इज इक्वल्स टू 28 बाय 12, 4 3 4 7 7 बाई 3 हो गया, डी तेरा 7 बाई 3 आ गया, बोला गया कि नहीं आ गया। अब तुझे बोल रहा है एस 13 फाइंड करो, एस 13 बहुत नॉर्मल बात है दोस्त, एस 13, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई 2 ए प्लस ए एन, हाँ ये फॉर्मूला भी तू यूज कर सकता है, कोई इश्यू नहीं। एस 13 मतलब 13 बाई 2, ए कितना है 7 प्लस,
एन, एन की जगह पे 13 रखूं तो ए 13 35 है, ये हो गया 42, जूम जाम जूम, 21 इंटू 13 01236 372 डन। देख लेना आंसर में कोई गलती हो तो भूल चुक लेवी देवी भैया, अब पकड़ के नहीं रखना कि देखो सर तो गलती हो गया, अरे बोल इतना इजी काम काज है कि नहीं, है कि नहीं, चला जा। क्वेश्चन नंबर थ्री है दोस्तों, थोड़ा लेवल अब हाई सेट होने वाला है लेवल, एक मिनट रुक जाओ मैं लिख देता हूँ। ए 12 इज इक्वल टू 37, डी इज इक्वल टू 3, ए फाइंड करना है और एस 12 फाइंड करना है, बोल 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 भैया। ए 12 दिया है और डी दिया है और ए फाइंड करना है, सर ए 13 दिया था और ए दिया था तो डी फाइंड करना था, एकदम इजी पड़ गया था हमको, ठीक है। अब देख तू, ए 12 दिया है और डी दिया और ए फाइंड करना है, तो देख ए 12 इज इक्वल टू 37, ठीक है, ए प्लस 11 डी इज इक्वल टू 37, अरे वाह सर क्या बात है, ए नहीं पता है, 11 इंटू डी कितना है 3 इंटू 11 37, ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33 4 आ गया, ठीक है। अब S12 फाइंड करना है, S12 इज इक्वल्स टू, पहले तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस ए एन, है ना। देख मैं रिस्क क्यों ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है, S12 फाइंड करना है और 12 टर्म ही दिया है, S12 फाइंड करना है 12 टर्म दिया है, समझ रहा है, मतलब लास्ट टर्म दिया है, 12 का ही सम फाइंड करना है 12 टर्म का, और 12 टर्म ही दिया है, लास्ट टर्म दिया है। यहाँ पे S13 दिया होता और S12 फाइंड करना होता तो ये मैं नहीं ले सकता था, तो फिर मुझे इस फॉर्मूला से जाना पड़ता, A है D है N है, इस फॉर्मूला से जाना पड़ता, S 12 बाई 2, A है 4, A N, A 12 37 6, S 12 इज इक्वल टू 6 41 है, ओके 6 and 2 4, ठीक बा, बोलो। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में होशियार बनाती है और एग्जाम में आपका रिजल्ट लाती है, रुक जा। देख क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत स्मूथली जा रहे हैं दोस्त, अब थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे टफ होगा, लाइफ तुम्हारा टफ होने वाला है धीमे धीमे। क्वेश्चन 4 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी, ए 3 इज इक्वल टू 15, एस 10 इज इक्वल टू 125, डी फाइंड करो और ए 10 फाइंड करो, हालत खराब होने वाली है। कोई ऐसा स्मार्टली सोचेगा ना, ए 3 15 है, डी फाइंड करो और ए 10 फाइंड करो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, चलो सर A3 15 दिया है तो A प्लस 2D बराबर 15 कर ले, सर आपके पास D भी नहीं है और A भी नहीं है तो क्या लाओगे, A होता तो मैं D ला देता, जैसे इसमें लाया ना मैंने इन दोनों क्वेश्चन में, तो ये भी सर लोचा है, समझना बात को, D लाना है लेकिन A नहीं दिया है, A दिया होता तो D आ जाता, तो लोचा है, चलो इसको इक्वेशन बन कर देते हैं, ठीक है, तो D नहीं आने वाला है, जब D ही नहीं आएगा भैया तो A 10 लाना है मुझे, A प्लस 19, A ही नहीं है, D ही नहीं है, तो A 10 कैसे ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, तो अब मुझे पेच कहाँ फंस रहा है, सब कुछ दारो मदार A और D लाने पे है, एक A आ जाता तो D आ जाता तो मेरा काम हो जाता, D फाइंड करना है दोस्त, तो देख मैं क्या करता हूँ, इससे ये लाने का कोशिश किया नहीं आया, ये लाने का कोशिश किया तो बिल्कुल नहीं आया, अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन है S10, S10 इज इक्वल्स टू 125, ध्यान से सुनना, अब देख मेरे पास एक्चुअली में S का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल्स टू N बाई 2, 2A
प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है। एस एन मतलब एस टेन बोला है उन्होंने, तो टेन बाई टू न टू ए है मेरे पास, एन है मेरे पास टेन, टेन माइनस वन इन नाइन डी, जुपाक जुपाक पाँच, एस टेन कितना है 125 और ये पाँच, टू ए प्लस नाइन डी, ये पाँच नीचे जाएगा दोस्त तो 25 बचेगा। हाँ हाँ सर बराबर है बराबर है, ये कुछ जुगाड़ सेट हो रहा है, ये कुछ जुगाड़ सेट हो रहा है। नहीं समझा दोस्त, नहीं समझा, नहीं समझा ना बोल, चल तो एक बार फिर से वीडियो देख ले। हाँ चल, ए थ्री दिया था, मेरा दिमाग ऐसा दौड़ा कि चला ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 15 कर डाला मैंने, तो देखा तो इसकी तरह करने गया, तो इसमें देखो ए दिया था तो डी आराम से आ जाता, इसमें डी दिया था तो ए आराम से आ जाता था, इसमें ना ए दिया है ना डी दिया है, तो क्या करोगे आप, तो एक इक्वेशन बन गया, कुछ दिया नहीं है तो ठीक है, इस पर से ए मैं फाइंड नहीं कर पाया, डी कैसे फाइंड करूंगा, ए ही नहीं है तो, और ए टेन तो बिल्कुल नहीं फाइंड होगा क्योंकि ए टेन इज इक्वल टू ए प्लस नाइन डी, डी नहीं है ए नहीं है तो ए टेन फाइंड नहीं होगा, तो मैंने सहारा लिया एस टेन का, एस टेन का सहारा लिया, तो एस टेन ने भी मुझे ना बोल दिया कि मैं तुझे एक इक्वेशन दूंगा भैया, उससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो अब ये इक्वेशन वन एंड टू है, इसमें आप देखो इक्वेशन वन को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो टू ए और टू ए एलिमिनेशन मेथड कर दूं, यस सर, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू एंड अप्लाई एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन वन एंड टू, दिख रहा है बच्चों को, दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे आ जाऊँ मैं, तो देखिए टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टू ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन देना हो तो दो वरना कुछ नहीं, देख ले भाई, टू ए प्लस फोर डी प्लस 30 और ये नीचे वाला 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, आगे दोनों इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आ गए, चला जाए माइनस 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 जुपा माइनस 5d 30 माइनस 25 4d माइनस 9d माइनस 5d 30 माइनस 25 5, सो फाइनली d इज इक्वल टू माइनस 1, d इज इक्वल टू माइनस 1, कैसे, हाँ अब इक्वेशन 1 में d is equals to minus 1 रखो, हाँ keep d is equals to minus 1 in equation 1, a plus 2 d है minus 1 is equals to 15 bar, है ना, कहीं गलती नहीं हो रहा है, कहीं गलती नहीं हो रहा है, equation में एक बार देख लीजिए, 2a plus 4d is equals to 30, 2a plus 9d is equals to 25, हा हो टुम 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 टुम, चल जाने ए और डी आ गया दोस्त, वाय दिस कोलावेरी डी आ डी, ए टेन इज इक्वल टू ए प्लस 90, ए है 17 और डी है माइनस 1, तो अब बोलिए दोस्तों 17 माइनस 9 मतलब 8, अब इसमें आपको कुछ भी बोल सकते हैं, आपको ऐसा बोले बात हो, हाँ बोलते हैं ए एन फाइंड करो, हाँ ये एक्स्ट्रा मेरी तरफ से, क्या बोलेंगे ए एन फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो देख दो मिनट का काम है, ए टेन तो फाइंड कर लेगा तू, ए 100 बोला हो ए 1000 बोला हो तुझे क्या फर्क पड़ेगा, ए और डी दोनों तो आ गया है ना, अब मैं बोलता हूँ ए एन फाइंड करो ऐसा बोले तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए है 17 एन माइनस 1 डी है माइनस 1, है ना, बहुत ईमानदारी से बोलिएगा दोस्तों, 17 माइनस 1 इन टू एन माइनस एन माइनस माइनस प्लस 1 इन टू 1 1, ए एन इज इक्वल्स टू 17 और एक 18 माइनस एन, तो ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं, चिंता मत कीजिएगा, बोलिए डन है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो बच्चा लोगों ले सकते हो, दिख रहा है बच्चों को क्लियर बोर्ड पूरा, है ना गजब लेवल का है ना, हाँ स्क्रीनशॉट लेना हो मैं भी आ जाता हूँ अंदर खचाक, चल दो मिनट बोर्ड रफ कर देता हूँ, नहीं समझ लेते हैं, ओके 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 ओके,
देख दोस्त, ये पांचवा सम है, ये अपने आप से होमवर्क में करना है तुम्हें। पांचवा सम है, क्वेश्चन थ्री का पांचवा। एस नाइन दे रखा है, इस पर टारगेट करना, सब आ जाएगा। एस नाइन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, जो भी तेरे को है, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एस एन तेरा 75 दिया है, 9 बाई टू है, 2a, n माइनस वन मतलब 9 माइनस वन 8, d है तेरा 5, तो देखिए इस पर से a आ जाएगा, आ गया a आ गया, और d है तो a 9 आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है दोस्त, आराम से करना, बहुत इजीली आंसर आएगा। अब दोस्तों देखो, इसमें a और d तो दिया है, तो मैं ए एन कैसे फाइंड कर पाऊंगा? सर आराम से, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए और डी है तो ए एन का आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल है। एन कैसे फाइंड करूंगा? एन फाइंड करने के लिए सर लोचो है, एन नहीं हो पाएगा फाइंड मुझसे, तो उसी के लिए दोस्तों देखो, उसने एक अच्छा सा जुगाड़ दिया है, जुगाड़ दिया। ये प्रैक्टिस करने से आएंगे सब दोस्त, प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। एस एन इज इक्व टू 90 बोला है, ठीक है। हमें एस एन का फॉर्मूला हम जानते, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एस एन 90, एन बाई टू, टू ए, टू था और ए टू है मतलब 4, एन माइनस वन, डी है 8, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वाह सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो 4 प्लस 8 एन माइनस 8, 90 इज इक्व टू एन बाई टू, 8 एन माइनस 4 है ना, 4 माइनस 8 माइनस 4। तू देख ऐसे भी कर सकता है, 90 इज इक्व टू एन बाई टू, देख दोनों में से 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले तो 4 एन माइनस 2 बचता है, हो गया कि नहीं भाई? 2 कॉमन ले तो 4n माइनस 2 बचता है, जुपाक जुपाक। 90 इज इक्वल्स टू n, 4n माइनस 2, चलो 90 इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर। हाँ, तुझे कॉमन 2 की जगह 4 लेना हो तो भी कोई इशू नहीं हो दोस्त। हाँ, माइनस 2n, ठीक है ठीक है ठीक है। चल एक मिनट काम कर, ऐसे आंसर तो आ ही रहा है, 4 कॉमन ले ले, तेरा काम हो जाएगा, 4 कॉमन ले। 90 इज इक्वल्स टू एन बाई टू, 4 कॉमन ले ले, तो क्या बच रहा है? 2n माइनस 1। अब देखना ईमानदारी से, 2 टू जा 4, ये जो 2 बचा है इसके नीचे भेज दूँ तो, हाँ सर 45 हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा भैया? 4 कॉमन लिया तो 2 टू जा 4 तो हो गया, ये 2 ऊपर बचा है वो नीचे ला दूँ तो 90 अपॉन 2 मतलब 40। सो 45 इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस n, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। ओहो हो सर, इसमें तो अभी हमको काम में आने वाले आगे के चैप्टर, मल्टीप्लिकेशन। देखो भाई, तीन टर्म है, मल्टीप्लिकेशन करने से 45 इंटू 2 90 आए, मल्टीप्लिकेशन करने से 90 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए, 1n है ना, तो क्या लोगे बोलो दोस्तों? ऐसा कोई टेबल है आपके पास? n का मतलब क्या, 1n? बोले हाँ सर, 10 नाइनजा, 10 नाइनजा 90, और 10 में से 9 गया तो 1 बचा। तो देखो बहुत ही लॉजिकल बातें करने जा रहा हूं मैं, ये था हमारा पहले लॉजिक, मैंने क्लियर कर चुका है, लास्ट चैप्टर्स चलाए थे उनमें। हाँ, 10 नाइनजा माइनस माइनस प्लस, 2n कॉमन आ रहा है n माइनस 5, 9 कॉमन आ रहा है n माइनस 5, n माइनस 5 कॉमन ले लो तो बचता है 2n प्लस 9 इज इक्व टू 0, n माइनस 5 इज इक्व टू 0, 2n प्लस 9 इज इक्व टू 0, n इज इक्व टू 5, 2n इज इक्व टू माइनस 9, n इज इक्व टू माइनस 9 बाई 2। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, माइनस n बाई 2 टर्म ऐसा नहीं, ये ऐसा कोई टर्म पॉसिबल नहीं। माइनस वाला टर्म कैसे? 10 टर्म होते हैं, 15 टर्म होते हैं, है ना, चौथा टर्म होता है, पांचवा टर्म होता है, माइनस में क्या टर्म होते हैं? नहीं होते सर, इट इज नॉट पॉसिबल। सो फाइनली माय एन इज दिस, आ गया एन का वैल्यू, क्या आ गया? ये रहा
ए एन फाइंड करना है दोस्त। ओहो सर, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए कितना है? डी फाइव एन, ए एन फाइंड करना है तो आपको एन की जगह कुछ नहीं रखना है। और डी कितना है? एट। डी कितना है? एट। ए एन इज इक्वल्स टू फाइव प्लस एट एन माइनस एट, एट एन माइनस थ्री, ये आ गया ए एन। और बोलते हैं दोस्तों एन का वैल्यू रखने का, मान लो तो ए फाइव, फाइव आया ना, टू एट इंटू फाइव माइनस थ्री, फोर्टी माइनस थ्री मतलब कि थर्टी सेवन बोलते हैं तो, है ना। बाकी ए एन बोला है फाइंड करने का तो यही, ए सौ बोले तो, ए हंड्रेड बोले तो, अब सर कोई टेंशन नहीं, अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही टफ से सम्स हैं ये सारे, आई एम पी सम्स ऐसे, इसमें से मैक्सिमम होता है कि एक आधा तो पूछे ही ऐसा, ठीक है। चला जाओ, अब मैं ले रहा हूँ सातवां क्वेश्चन, इसके प्रैक्टिस वाले सम्स बहुत रखने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना। हो ये तारा वो तारा हर तारा। चलिए 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 बोलिए। देखिए दोस्तों, ए दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। दोस्तों आप पहले ही ए एन को उठाने का ट्राई करेंगे, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए एन आप 62 कर देंगे, ए 8 कर देंगे, डी फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों एन भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो दोनों चीज़ें नहीं है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। कोई एक चीज़ ना हो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, तो ईजी पड़ता है। रुक जा भाई, वायर तू कहाँ खींच रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कैंसिल, तो अब मेरा लॉजिक बैठता है एस एन पे, एस एन इज इक्वल्स टू ये ए प्लस ए एन। ए एन दिख रहा है ना सामने, ए दिख रहा है ना सामने, इसलिए दोस्त। तो एस एन है 210, एन पता नहीं है, ए है 8, ए एन है 62। बोल कितना इजी लेवल हो रहा है, 210 एन बाई टू इंटू 70, जोपाक जोपाक 35, एन बराबर 210 अपॉन 35, 7 फाइव ज़ा 7 थ्री ज़ा 210 6, एन इज इक्वल्स टू 6। देखिए भैया एन का वैल्यू आ गया है, एन का वैल्यू आ गया है। अब आपको डी फाइंड करना है, तो मेरे पास है फॉर्मूले हैं, ठीक है। डी फाइंड करना है ना आपको, बहुत इजी वे में ले जा रहा हूँ। ए एन दिया है 62, ए है आपका 8, एन है आपका 6, मतलब 6 माइनस 1 5 इंटू डी। बोल कुछ है लोचा हो तो बोल दे, तो फिर 8 इधर ला दो, तो कितना हुआ, 8 इधर लाएगा तो 54 हो जाएगा, बराबर है। डी इज इक्वल्स टू 54 बाय 5, हो गया काम, हो गया काम, बोल डन डन। तो फिर एक मिनट रुक जा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चला जा, आठवां क्वेश्चन दे रहा हूँ, आठवां क्वेश्चन में पूरा आज एक्सरसाइज का तीसरा फिनिश करते हैं यार। चलो ये क्या रोज रोज का माथा कूट है ना, माथा पच्ची नहीं चाहिए। आठवां क्वेश्चन 1 करोड़ के लिए, देवियों सजनों, ओ ए फाइंड करो, एन फाइंड करो, एस एन दिया है, ए एन दिया है। अब की बार सर, अब की बार, हाँ वही दिया ना, रुक जाए चेक करने दे, ए एन 4 है, डी 2 है, एस एन माइनस 14 है, एन 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 एन, ओके चला जा। एन फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, सर हालत खराब, हालत खराब। तू देख एन और ए फाइंड करने में मुझे ऐसा पहले माइंडसेट ऐसा हुआ कि चलो फटाफट ए एन है ना, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देते हैं फटाफट, तो ए एन 4 आ गया, ए भी नहीं है, एन भी नहीं है और डी है, दो दो जने नहीं हैं सर, तो नहीं नहीं सेट होगा सर, नहीं सेट होगा, बिल्कुल सेट नहीं होगा। तो अब क्या करें, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है मेरे हिसाब से, ए एन इज इक्वल्स टू 4, या तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन है 4,
ए पता नहीं, एन माइनस वन, डी है दो। चार इज इक्वल्स टू ए प्लस टू एन माइनस टू। शांति से सुनना। अब देख, ए फाइंड करना है मुझे, तो देखो ए फाइंड करना है तो ये टू सामने ले जाऊं तो सिक्स, फोर माइनस टू प्लस हो गया, भाई फोर था माइनस टू प्लस टू हो गया सिक्स, और ये टू एन सामने ले जाऊं तो माइनस टू एन। देखो आपका ए आ गया, सवर के बाहर आ गया ये। हाँ हाँ सर, समझ में आ रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो एन है, एन है, यहाँ पे भी एन की जगह कुछ लिया होता तो मैं कुछ ट्राई मारता, ठीक है ना। चल आ जा भैया, धीमे धीमे सम टफ होते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस लेना ज़्यादा। अब दोस्तों इसके ऊपर से आ जाओ, एस एन इज इक्व टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है, बहुत इजी मेथड है। एस एन है माइनस फोर्टीन, एन का पता नहीं, ए कितना आया सिक्स माइनस टू एन, सिक्स माइनस टू एन प्लस ए एन कितना है चार है। ओके अब देख, माइनस फोर्टीन इज इक्व टू एन बाई टू, सिक्स एन टेन, सिक्स प्लस फोर टेन, माइनस टू एन, ठीक है, माइनस फोर्टीन एन बाई टू। देखो टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है तो फाइव माइनस एन बच रहा है, क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है। माइनस फोर्टीन, एन को इधर जाने दो फाइव एन, एन को इधर जाने दो माइनस एन स्क्वायर। बोल, इजी हो रहा है काम, इजी हो रहा है, दो मिनट रुक जा, रफ करने दे भैया, रफ करने दे। कितना एकदम इजी बा। अब देख, एन स्क्वायर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, ये फाइव एन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस चौदह तो था, मल्टीप्लीकेशन करने से फोर्टीन आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से फाइव आए। बोल जा फटाफट, चल, सेवन टू जा फोर्टीन, और सेवन माइनस टू फाइव। बोलो डन, अभी ये सिखाऊंगा नहीं यार, ये तो बहुत हो चुका मतलब काम। एन कामन, एन माइनस सेवन प्लस टू कामन, एन माइनस सेवन, एन माइनस सेवन बा, एन प्लस टू इज इक्व टू जीरो बा, एन माइनस सेवन इज इक्व टू जीरो, ठीक है ठीक है। तो फिर यार जल से करना मैं बैठा हूँ ना, नॉट पॉसिबल, माइनस टू टर्म पॉसिबल, मतलब दूसरा माइनस दूसरा टर्म पॉसिबल नहीं है। सो फाइनली एन आपका आ गया, ए आ गया। अब ए ऐसे नहीं आता है दोस्त, ए ऐसे नहीं आता है। वी हैव ए इज इक्व टू सिक्स माइनस टू एन, है ना, ए का वैल्यू सिक्स माइनस टू एन, टू एन है सेवन, सिक्स माइनस फोर्टीन, ए इज इक्व टू माइनस एट, ऐसे आता है आपका ये। बोल कितने तगड़े और लेवल वाले सम है दोस्तों। अब तो ईमानदारी बनती है दोस्त कि आप एक दो सम अपने आप से करें तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ सिखाया है यार, है ना। तो चलिए लिख लीजिए आप सम, नाइन नंबर का सम है, और मैं हिंट दे दे रहा हूँ आपको, मैं एट है, एस एन इज इक्वल्स टू 192 है, और डी फाइंड करना है। बोल क्या करोगे सर, कोई रास्ता ही नहीं है, एस एन का रास्ता बेस्ड है। ये फाइंड करना है, देखो एस एन 192, एन है 8 बाई 2, ए मतलब 2 और ए है 3 मतलब 6, एन है 8, 8 माइनस 1 मतलब 7 इंटू डी। देखो डी आ गया कि नहीं आ गया, बहुत इजी काम है दोस्त, अपने आप से कर लेना। दसवां सम है, सब कुछ मैं ही तो करके दे रहा हूँ, नहीं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलिए, चलिए अभी अपने आप से करना। अरे यार एस, हाँ वही एस एन ले ले, एस एन दिया है, एन है, ए एल है, और ए फाइंड करना है, एल का मतलब ए एन है ना, तो अपने आप से देख लेना, बाकी मैं प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा, ठीक है, ये भी होमवर्क में कर लेना। बोलिए कैसा रहा, कैसा रहा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन थ्री पूरा दोस्त, क्वेश्चन थ्री पूरा कंप्लीट, एक्सरसाइज 5.3 का 3 तक हम फिनिश्ड हो चुके हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। चल वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और हाँ प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा, प्रैक्टिस करते रहना, थैंक यू, बाय बाय।